When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, why should I... अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल साद माज। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप 6-star मोड GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये एक फ़ाइल चाहिए और एक ओपन आईवी चाहिए। तो ओपन आईवी को इंस्टॉलेशन का तरीके की वीडियो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अगर वहाँ ना दी हो तो हमारे चैनल में जाकर हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसके बाद आपने अपने फाइल GTA 5 की लोकेशन में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपने हमेशा की तरह मोड्स रखना है। तो ये फोल्डर बनाने के बाद आपने अपडेट वाले फोल्डर को कॉपी करके मोड्स में पेस्ट कर देना है, जैसा कि हमने पहले से पेस्ट किया हुआ है। तो इसके बाद आपने ओपन आईवी को रन कर लेना है। तो ओपन आईवी रन करने के बाद आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है और इसमें रीडमी ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपने ASI मैनेजर को रन कर लेना है। तो ASI मैनेजर रन करने के बाद आपने देखना है कि ये तीनों फाइल्स आपकी इंस्टॉल हो, अगर ना इंस्टॉल हो तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने एडिट मोड पर क्लिक करके यस कर देना है। तो हमें मोड्स फोल्डर में चले जाना है। तो आप ये यहाँ रीडमी से भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने करना है। तो मोड्स फोल्डर में जाने के बाद आपने अपडेट में चले जाना है, फिर अपडेट RPF। तो इसके बाद हमने कॉमन डाटा में चले जाना है, और इसके बाद आपने एडिट मोड को रन कर लेना है। हमने पहले से ही एडिट मोड को रन कर लिया था। जब ये प्लस और फाइल का निशान आ जाता तो यानी कि हमने एडिट मोड को रन कर लिया है। तो ये करने के बाद आपको फाइल ओपन कर लेनी है, और इसमें आपको डिस्पैच मेटा के नाम से एक फाइल आपको सामने शो हो जाएगी, उसे आपने ASI मैनेजर वाली फाइल्स के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो चुकी है। अगर आप और तरीके से करना चाहते हैं तो पहले आप इसे उठा के डेस्कटॉप पर ले आएं, और इसके बाद आप इस वाली फाइल पर राइट क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करके या ब्राउज में डेस्कटॉप पर आकर इस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस हो चुकी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने लेवल्स फोल्डर में चले जाना है। ये आप हमारा एड्रेस देख सकते हैं। पहले हम GTA 5 मोड्स अपडेट RPF कॉमन डाटा लेवल्स GTA 5। अब यहाँ एक फाइल पड़ी है व्हीकल RPF के नाम से, तो आपने व्हीकल मेटा वाली फाइल को यहाँ रिप्लेस कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने हमारा बताया हुआ दूसरा तरीका इस्तेमाल करके पहले डेस्कटॉप पर लाकर फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है,
आपने एड्रेस बार में चले जाना है और वहाँ जाने के बाद आपने मोड्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपडेट मल्टी X64 DLC पैक्स, आपने यहाँ एम्फीस नाम की फाइल सर्च करनी है तो आप उसे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो ये है उस फाइल का नाम। अगर वो फाइल आपको यहाँ नाम मिल रही हो तो आपने किसी भी फाइल को ओपन कर लेना है। तो हम इस फाइल में चले गए हैं। इसके बाद आपने DLC RPM, तो यहाँ जाने के बाद आपने कॉमन डाटा, फिर यहाँ आपको पास एक टेक्स्ट फाइल है मगर हमें एक पैड्स फाइल चाहिए, तो आपने किसी भी ऐसे फोल्डर में चल जाना है जिसमें पैड्स फाइल हो। तो अब हम किसी और फोल्डर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमें pads.meta वाली फ़ाइल मिल चुकी है। तो यहाँ वाली pads.meta वाली फ़ाइल को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आपने डेस्कटॉप वाला तरीका आजमाना है। अब इसे बंद करके आपने अपनी गेम को रन कर लेना है। तो यहाँ गेम रन होने के बाद हम अपने घर में आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अभी बाहर चले जाते हैं ताकि आपको ये मोड दिखाने में आसानी हो। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें ईद वा के एग्जिट अपार्टमेंट कर देना है। तो ये हम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल चुके हैं। तो हम अब रोड पे जाके आपको ये मोड दिखाते हैं। तो ये मोड चलाने के लिए आपने F8 प्रेस करना है और यहाँ से आपने अपने मर्जी के आप जितने चाहें उतने स्टार्स लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से 5 स्टार्स एनेबल कर लेते हैं। तो ये एनेबल करने के बाद हम गाड़ी में चले जाते हैं और यहाँ हम आपको आर्मी के टैंक्स, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी की गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो एक आर्मी की गाड़ी ये गुजर चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक आर्मी की गाड़ी गुजर चुकी है। तो यहाँ आपको आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी नजर आएंगे। तो यहाँ एक और आर्मी गाड़ी हमारे पीछे से गुजर चुकी है। तो इनका आपको मैप में रेड और ब्लू डॉट से पता चलेगा कि कहाँ आर्मी और पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह हैं। तो अब हम टेलीपोर्ट होके हाईवे पे चले जाते हैं ताकि आपको ये मोड दिखाने में आसानी हो। तो ये अब हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद आपने थोड़ी देर ड्राइव करनी है ताकि आपको आर्मी के टैंक्स दिख सकें। तो हम थोड़ी देर ड्राइविंग कर रहे हैं। हमें अभी तक यहाँ टैंक्स नहीं मिले मगर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर और ड्राइव करेंगे तो आपको आर्मी के टैंक्स ज़रूर मिल जाएंगे और हेलीकॉप्टर वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।